नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। अष्टावक्र मुनि की कथा चल रही है। अपने पिता को ज्ञान सिखाने के चक्कर में पिता से मिले श्राप के कारण 8 जगह से जो वक्र हैं, इस प्रकार के इस बालक का जन्म माता के गर्भ से जब हुआ तो उसको मालूम पड़ा कि उसके पिता को महाराज जनक के यहाँ चलने वाले यज्ञ सत्र में उनके किसी बंदी नाम के विद्वान ने शास्त्रार्थ में पराजित करके और जरसमाधि दिलवा दी है। ये सुनना था कि जो उम्र में उनके बराबर हैं लेकिन संबंध में जो उनके मामा लगते हैं, ऐसे श्वेत केतु को लेकर के अष्टावक्र जो हैं वो प्रस्थान करते हैं महाराज जनक के यहाँ जाने के लिए। अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रियः पंथा भारवहस्य पंथा रागनः पंथा ब्राह्मणे ना समेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथा। देखिए, मनुस्मृति का ये वाक्य है और उस अर्थ को यहां पे प्रस्तुत किया गया है कि कोई अंध व्यक्ति जा रहा हो तो भी आपको उसको मार्ग दे देना चाहिए। कोई वधिर व्यक्ति जा रहा हो जिसको सुनाई नहीं देता है तो आपको उसको मार्ग दे देना चाहिए। आज की भाषा में कहें तो कोई विकलांग अगर जा रहा है, नहीं, दिव्यांग कहना चाहिए, दिव्यांग कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम दिया है। अगर कोई दिव्यांग जा रहा है तो आपको उसको पहले मार्ग देना चाहिए। अगर कोई स्त्री जा रही है तो उसको भी आपको मार्ग देना चाहिए। कोई वजन उठा करके जा रहा है, सिर पे किसी के वजन लदा हुआ है, आप तो खाली हैं, तो आपको उसको मार्ग दे देना चाहिए। लेकिन अगर राजा जा रहा है तो इन सब को हट करके राजा को मार्ग देना चाहिए। लेकिन इससे भी ऊपर मनुस्मृति में यह बात कहा गया है, कही गई है और यहां पे भी उसी बात को कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण जा रहा है तो इन सब लोगों को ब्राह्मण को मार्ग देना चाहिए। यही बात अष्टावक्र जनक के उस राज्य में पहुंच करके कहते हैं। राजा स्वयं कहीं मार्ग में उनका आवागमन हो रहा होगा तो महाराज जनक के सामने अष्टावक्र उसी गर्व के साथ कि भाई ब्राह्मण को पहले मार्ग मिलना चाहिए। राजा कहते हैं, पंथा अयम तेद्य मया अतिदिष्टो ये नेच्छसी तेन कामं व्रजस्व न पावको विद्यते वै लघिया निंद्रोऽपि नित्यं नमते ब्राह्मणानां। वो राजा इन अष्टावक्र को मार्ग देते हुए ये कहते हैं, आपके लिए मार्ग बिल्कुल खाली है, जैसी आपकी आज्ञा, ये खाली है। आपको जहां जाना है आप अपने कार्य के लिए अपनी स्वच्छंदता अनुसार, अपनी स्वतंत्रता अनुसार जा सकते हैं। न पावको विद्यते भई लगिया, भई आग का छोटा सा तनखला भी हो छोटा नहीं मान सकते, वो तो बड़े से बड़े भंडार में सब कुछ समाप्त करने की शक्ति रखता है। तो ब्राह्मण का पुत्र भले छोटा हो लेकिन उसकी शक्ति को आप कम नहीं माप सकते हैं। इस प्रकार से कहकर के उनको मार्ग दिया गया है। अष्टावक्र वहां से सीधा जनक महाराज के द्वार पे पहुंच जाते हैं। द्वारपाल के पास जाकर के मुझे अंदर प्रवेश करना है, जाओ जाकर के अपने राजा को और उनके परम विद्वान बंदी को समाचार दो कि उनसे शास्त्रार्थ के लिए कोई आया है, मुझे यज्ञ मंडप में प्रवेश करना है। द्वारपाल कहते हैं, बंदे समादेश करा वयम स्म। भाई हम सब महाराज जनक की आज्ञा नहीं चलती है, यहां बंदी की आज्ञा चलती है जो इस पूरे यज्ञ को करवा रहे हैं। यज्ञ के जो अधिष्ठाता ब्राह्मण है उनकी आज्ञाएं चलती है यहां पर, महाराज जनक की आज्ञा नहीं है। बंदे समादेश करा वयम स्म निबोध वाक्यम च मयीर्यमाणम। ध्यान से मेरी बात सुनो, बंदी ने हमको आज्ञा दी हुई है। क्या आज्ञा मिली है? नबई बालाह प्रविशन्त्यत्र विप्रा। यहां कोई भी सामान्य ब्राह्मण या कोई बालक प्रवेश नहीं कर सकता है। वृद्धा विदग्धा प्रविशन्त्यत्र विप्रा। यहां तो जो वयो वृद्ध हूं, जो ज्ञान वृद्ध हूं, जो तेज वृद्ध हूं, इस प्रकार के ब्राह्मणों को ही प्रवेश मिलता है।
सामान्य बालकों की प्रवेश की तो बात नहीं, सामान्य ब्राह्मणों को प्रवेश नहीं देना है। वृद्धा विदग्धा, जो वृद्ध हो, विदग्ध हो, जिनमें नैपुण्य हो, जिनमें विशेषताएं हो, ऐसे ब्राह्मणों को ही प्रवेश दिया जाएगा। तब अष्टावक्र हंसते हुए कहते हैं, यद्यत्र बुद्धि सुकृतः प्रवेशो युक्तम प्रवेशतु मम द्वारपाल। अरे द्वारपाल, अगर यहां ये कहा गया है कि वृद्ध लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए तो आपको तुरंत ही मुझे प्रवेश दे देना चाहिए। अब देखिए, 12 वर्ष का बालक द्वारपाल से क्या कह रहा है कि अगर यहां वृद्ध का प्रवेश होना है, यही बात कही है उन्होंने कि वृद्धों को प्रवेश देना चाहिए, तो हमें तुरंत ही आप अंदर लेके चलो। वयम ही वृद्धा चरित व्रताश्च वेद प्रभावेण समन्विताश्च। देखो, हम तो बिल्कुल ही वयोवृद्ध हैं। आप तपस्या की बात करो तो बड़े बूढ़े जितनी तपस्या नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हम तपस्या कर चुके हैं। आप व्रत और आचरण की बात करो तो बड़े बड़े जिस व्रत और आचरण को नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे व्रत मैंने किए, तो व्रतों के हिसाब से भी मैं वयोवृद्ध हूं। और वेद प्रभावेण, अगर आप ज्ञान की बात करें ना, तो उसके भार से तो आप ये मान लो कि इतना ज्ञान मुझ में है कि मैं ज्ञान से तो वृद्ध हुई हूं। यानी अगर आप तपस्या की बात करो, आप व्रत की बात करो, आप ज्ञान की बात करो, भाई यही चीजें लोगों को वृद्ध बनाती हैं। न ज्ञान वृद्धेशु वया समीक्षते, कालिदास लिखते हैं, ज्ञान वृद्ध होने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती कि किसकी उम्र कितनी है और इतनी उम्र है तो ही वो वृद्ध होगा। नहीं नहीं नहीं, वही बात यहां बिल्कुल अष्टावक्र कह रहे हैं, सुश्रवश्चापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागमे चाधिगतास्मनिष्ठां नवाल इत्यव मंतव्यपाहु वालोप्य अग्निर दहति स्पृश्यमानः। देखो, अगर आप बात करते हो, वृद्ध किसको कहते हैं, अगर आप बात करो कि किसने कितना सुना है, कितना ज्ञानी है, कौन जितेंद्रिय है, यानी वृद्ध लोगों के लिए, या जिनको कहा था कि विदग्ध ब्राह्मणों के लिए जो जो वैशिष्ट हैं, ज्ञान आगमी वापी गतास्मनिष्ठा, या ज्ञान आगम जिसकी भी बात करें, हम उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचे, ये हमारा नैष्ठिक धर्म व्रत आचरण सब कुछ है, तो हमसे बड़ा वृद्ध तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर बालक के रूप में देख करके आप ऐसा मत सोचो कि बालक है, वही जो महाराज जनक ने कहा था वही बात आ गई, बालोपि अग्नि दहति स्पृश्यमाना, आग का छोटा सा तणखला भी हो ना तो भी स्पर्श करने वाले को वो जलाता है, तो मुझे तो मार्ग मिलना ही चाहिए, आप जाकर के उनको समाचार दीजिए। द्वारपाल बड़े चक्कर में पड़ गया कि भाई ये छोटा सा बालक है? और इस प्रकार से सभा में प्रवेश करने की इस प्रकार से जिद कर रहा है। तो कहता है, सरस्वती मीरय वेद जुष्टा एकाक्षराम बहु रूपाम विराजम अंगात्मानम समवेक्षस्व बालम। महाराज जनक का द्वारपाल है, सीधे सीधे समझ में आ जाए ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। ज्ञानियों के यहां तो भाई कहते हैं कि बाण भट्ट के पिता के यहां जो पले हुए तोते थे, ब्राह्मण बालक उनके सामने पाठ करने से घबराते थे, क्योंकि अगर अशुद्ध उच्चारण करे तो तुरंत वो टोका करते थे कि उच्चारण अशुद्ध है। तो विद्वानों के घर पे तो पले हुए तोते भी विद्वान हो जाया करते हैं। तो द्वारपाल कहता है कि भाई जाओ, अभी आपकी उम्र वेद के एकाक्षर के अध्ययन की है, अभी तो ओम ओम का उच्चारण करो जाके, अभी तो ठीक से वेद पढ़ने की भी तुम्हारी उम्र नहीं आई है। इस प्रकार से स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना ये अच्छी बात नहीं है, विद्वत्ता ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती है। तो अष्टावक्र कहते हैं, न ज्ञायते काय वृद्ध्या विवृद्धि यथा स्थीला सालमले संप्रवृद्धा ह्रस्व अल्पकाय फलितो विवृद्धो यश्चा फलस्तस्य न वृद्ध भावः। देखो, द्वारपाल को समझा रहे हैं कि काया यानी शरीर किसी का बड़ा हो जाए, इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता है। किसी का शरीर वृद्ध हो जाए
इससे कोई वृद्ध नहीं हो जाता है। शालमली का जो वृक्ष होता है उसकी गांठ अगर बड़ी होती चली जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है, न तो उससे वृक्ष को कोई लाभ है, न उस गांठ से कोई फल लगने वाला है, न उस गांठ में से कोई डाल निकलने वाली है, खाली वो अपना आकार बढ़ा लेती है। तो कुछ लोगों के शरीर तो बड़े होते हैं लेकिन बौद्धिक रूप से वो छोटे बने रहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि को आप वृद्धि नहीं मान सकते हैं। छोटा हो, खूब फल देता हो, इसी प्रकार से जिसमें ज्ञान हो वो श्रेष्ठ है। आप मेरी उम्र पे मत जाओ। द्वारपाल कहता वृद्धेभ्या एवेह मतिन सुमवाला गृहणन्ति कालेन भवन्ति वृद्धा नहीं ज्ञान अल्प कालेन शक्यम कस्माद बाला स्थिविर इव प्रभास से। अरे भाई उम्र का भी एक अपना महत्व होता है ना। द्वारपाल कह रहा है उम्र का एक अपना महत्व होता है। लोग कहते हैं ऐसे धूप में थोड़े बाल सफेद किए, लोग कहते हैं तुमसे ज्यादा बसंत देखे हैं, लोग कहते हैं तुमसे ज्यादा दिवालियां हमने की हैं। ये सब इस चीज की सूचना है कि आपसे अधिक अनुभव है वयोवृद्धों के पास। द्वारपाल उसी बात को कह रहे हैं वृद्धेभ्या एव मतिम सुबाल। भाई बुद्धि जो होती है अवस्था के साथ ही बड़ी होती है। बाल्यावस्था में आपकी ऐसी परिपक्व बुद्धि थोड़ी हो सकती है। गृहणन्ति काले न भवन्ति वृद्धा, समय के साथ व्यक्ति बड़ा होता है और उसके साथ उसका अनुभव उसको ज्ञानी बनाता है, उसको श्रेष्ठ बनाता है। अरे ज्ञान कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि थैले में भर लिया और आपने उठा लिया कंधे पर चल दिए। नहीं ज्ञानम अल्पकाले न शक्यम, बहुत छोटी सी उम्र में ज्ञानी हो जाना ये संभव नहीं है। तुम हे बालक ये वृद्धों जैसी बातें छोड़ो, इस प्रकार की बातें योग्य नहीं है। लेकिन अष्टावक्र तो निर्णय करके आए थे, वो तो निर्णय करके आए थे कि उनको महाराज जनक की सभा में जाना है, बंदी से शास्त्रार्थ करना है और शास्त्रार्थ में उनको पराजित करना है। न तेन स्थविरो भवति येनास्य फलितम सिरः बालोपि यः प्रजानाति तम देवास्थिवरम विदुः। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अरे द्वारपाल जिसका सिर हिलने लग जाए, जिसके बाल सफेद हो जाएं, इससे कोई वृद्ध नहीं हुआ करता है, इसको वृद्धावस्था नहीं कहते हैं या ज्ञान वृद्ध उसको नहीं कहते हैं। उम्र के हिसाब से भले वो वृद्ध हो गया लेकिन अभी भी उसके पास अगर ज्ञान नहीं है तो वयो वृद्ध है, लेकिन ज्ञान वृद्ध तो उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई बालक है और वो सब कुछ जानता है, देवास्थविर विदुः, देवता भी उसको विद्वान कहते हैं या उसी को वास्तविक विद्वान माना जाता है, वही वास्तव में ज्ञान वृद्ध है। भले उम्र में छोटा हो, भले उम्र में छोटा हो लेकिन अगर उसने वेदादि का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, वो ज्ञान का भंडार है, तो वही वास्तविक वृद्ध है। दिदृक्षुरश्मि संप्राप्तो वंदिनम राज संसदे निवेदे स्वमाम द्वास्था राग्ने पुष्कर मालिने। जाओ मैं बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, राजसभा में जाकर के अपने महाराज से इस प्रकार की तुम घोषणा करके कह दो कि दरवाजे पे आपको जो ठीक लगे वो बताओ। दो बालक खड़े हैं, दो विद्वान खड़े हैं, दो बच्चे खड़े हैं, दो वयोवृद्ध खड़े हैं, आपको जो कहना है, लेकिन हम बंदी से शास्त्रार्थ किए बिना यहां से नहीं जाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं आज तुम देखोगे हे द्वारपाल, आज तक तुमने ऐसी घटना नहीं देखी होगी, आज तुम इस चीज को देखोगे कि तुम्हारे महाराज के यहां जो बहुत बड़े पंडित बंदी है ना, वो आज कैसे परास्त होते हैं, आज वो कैसे हारते हैं। शास्त्रार्थ में आप आज उनकी पराजय देखोगे। पश्यंतु विप्रह परिपूर्ण विद्या सहैव राग्ना सपुरोध मुख्या उताहो वाप्युच्यताम नीचताम वा तूष्णीं भूतेष्वेव सर्वेश्व अथाद्य। अरे द्वारपाल आज जितने विद्वान वहां बैठे होंगे, स्वयं महाराज के साथ बड़े बड़े ज्ञानी वेदज्ञ पुरोहित जो लोग वहां बैठे होंगे, वो सब उनके प्रश्न और मेरे उत्तर और मेरे प्रश्न और उनके उत्तर,
यानी बंदी के प्रश्न और अष्टावक्र के उत्तर, और अष्टावक्र के प्रश्न और बंदी का चुप होना देखेंगे। तूष्णीम भूतेषु, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इस स्थिति को सब लोग देखेंगे। आज सबके सामने ये हो जाने दो, तुम मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल कहता है, कथम यज्ञम दस वर्षो विशेषत्वम। अरे भाई, इस यज्ञ मंडप में तुम्हारी उम्र 10 साल की है। एक तो अष्टावक्र, 8 जगह से शरीर टेढ़ा, तो जिस प्रकार से उनका शारीरिक विकास होना चाहिए वो भी नहीं हुआ, तो वो तो 12 साल की उम्र में और छोटे लग रहे हैं। तो तुम 10 साल के कैसे उस यज्ञ भवन में मैं तुमको प्रवेश करने दूं? विनीता नाम विदुषाम संप्रवेशम, जहां ये निश्चित किया गया है कि सिर्फ विद्वान ही प्रवेश कर सकते हैं, फिर भी चलो मैं आपके लिए प्रयत्न करता हूं। और उसके बाद वहां महाराज जनक दिखाई देते हैं, तो वो कहता है, एस राग्ना संश्रवणे स्थितस्ते, ये महाराज आपकी बात सुन पाए इस प्रकार से यहां उपस्थित है। मतलब तुम उनके सामने नहीं जा सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा बोलो कि वो आपको सुनेंगे, वो आपको सुन पाए, इस स्थिति में महाराज हैं। स्तुत हेनम तुम वचसा संस्कृते, अच्छी वाणी में तुम उनकी स्तुति करो, उनकी प्रशंसा करो। साचानुज्ञान दास्यति प्रीतियुक्तः प्रवेशने यच्च किंचित तवेष्टम, आपको जो प्रवेश चाहिए, आपको जहां जाना है, वही आपको अनुज्ञा दे सकते हैं, वही आपको आज्ञा दे सकते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा कार्य होता है जब कोई आपका मार्गदर्शक बनता है। ये जरूरी नहीं कि कोई आपको हाथ पकड़ के अंदर पहुंचा दे, वो सिर्फ आपको एक अवसर दे दे। और श्रेष्ठ लोगों को सिर्फ अवसर की आवश्यकता होती, उनको हाथ पकड़ के कोई आगे ले जाए इसकी आवश्यकता नहीं होती। और द्वारपाल ने वो अवसर दे दिया कि महाराज जनक यहां आपकी बात को सुन सकते हैं, आप इस प्रकार से कुछ कहिए कि जिससे कि उनको ऐसा लगे कि आपको प्रवेश करवाने जाता है। अष्टावक्र तुरंत कहते हैं, भो भो राजन जनकानाम वरिष्ठः, त्वं वै सम्राट त्वयि सर्वं समृद्धम्, त्वं वा कर्ता कर्मणाम यज्ञियानाम, ये यातिरे को नृपतिर्वा पुरस्तात्। हे जनक कुल में श्रेष्ठ महाराज, जो राजाओं के भी राजा हैं, सम्राट हैं आप, यज्ञों के इस प्रकार के विधि विधान पूर्वक यज्ञों को करने वाले हैं, कि आपसे पहले सिर्फ ययाति ने ही इतने श्रेष्ठ यज्ञ किए हैं। वृद्धान बंदी वाद विदो निगृह्य वादे भगनान प्रतिशंक मानहा, त्वया विसृष्टे पुरुषे आप्त कृत भी जले सर्वान मज्जयती तिन्ह श्रुतम। हमने सुना है कि आपकी सभा में कोई बंदी नाम के बहुत बड़े शास्त्रार्थी हैं। देखिए, वाद विदो, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया है, बंदी वाद विदो। ये बंदी जो वाद विवाद यानी शास्त्रार्थ के पारंगत हैं, निगृह्य वादे, उन्होंने शास्त्रार्थ में लोगों को पकड़ पकड़ के भगनान प्रतिशंक माना, जिनको उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। आपकी आज्ञा से सर्वे जले मज्जय दी थी, आपने उन सबको जल में डुबोवा दिया। उन्होंने शर्त ये रखी हुई है, और आपने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, वो मैं सोहम श्रुत्वा ब्राह्मणानाम सकाशात ब्रह्माद्वैतम कथयितुम आगतोस्मि, क्वासौ बंदी यावदेनम समेत्य नक्षत्राणीव सविता नाशयामि। जैसे सूर्य का उदय होता है और सारे तारागण ऐसे छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आकाश में कहां है वो, इसी प्रकार से आपके उन विद्वान बंदी को आज मैं खत्म करने आया। इस कथा प्रसंग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। सुनते रहिए, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अगर आपको आनंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे